नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। यूपी में गन्ना किसानों को सौगात के रूप में गन्ना रेट में 20 रुपये की मामूली बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत अगेती प्रजातियों के लिए गन्ना मूल्य 350 से 370 कर दिया गया। लेकिन अब उत्तराखंड के किसानों ने यूपी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए अपने यहाँ गन्ना समिति के गन्ना परिषद पर तालाबंदी की है। भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों का कहना है कि हमारे धरने को एक महीने से ऊपर का समय हो गया है और सरकार ने कहा था कि जब यूपी में गन्ने के रेट बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ा देंगे, लेकिन जिस तरह से यूपी में मात्र 20 रुपये की बढ़त की गई है उससे किसान समाज नाराज है। किसानों ने 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग की है। साथ ही किसानों ने कहा है कि जब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया जाता तब तक दोनों समितियों पर तालाबंदी रहेगी और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। ये हमारे किसान 20 दिसंबर से बैठे हैं गन्ना मूल्य घोषित करवाने के लिए। सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया तो ये कल से कह रहे थे हमें कि हम एक दिन समिति में ताला लगाएंगे। हम इन्हें मना रहे हैं कि भाई हमारे स्तर का कार्य नहीं है, उच्च स्तर का कार्य है, शासन स्तर का कार्य है तो गन्ना मूल्य घोषणा करने की हमारे स्तर से ना हमारे कार्यालय को बंद ना करो। लेकिन इन्होंने आज सांकेतिक तौर से तालाबंदी किया है। कार्य कह रहे हैं भाई थोड़ी देर बाद कार्य कर लेना, हम सरकार कम से कम चेत जाएगी, हमारी बात सुन लेगी, गन्ना मूल्य घोषणा कर देगी। ये है इनका मांग और कोई मांग नहीं है इनकी, केवल गन्ना मूल्य घोषणा करने की। तालाबंदी का उद्देश्य है कि अपने भारतीय किसान संघ का एक महीने से आज 31वां दिन हो गया, 20 दिसंबर से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था जिसमें गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग थी और इनको इन्होंने बहाना लिया था कि यूपी जिस दिन गन्ना मूल्य घोषित कर देगा उस दिन हम भी घोषित कर देंगे। लेकिन यूपी में गन्ना मूल्य घोषित कर दिया है, हालांकि 20 रुपये घोषित किया है, लेकिन यूपी वालों के 20 रुपये भी 200 के बराबर हैं। उनका बिजली बिल फ्री है, वहाँ नहर का पानी नहीं है, कोई पैसा नहीं टैक्स का नहर के पानी पे बिजली पे, इसलिए उनका 20 रुपये बहुत है। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में दिक्कत यह है कि पीछे बाढ़ आ गई थी, किसान की सब फसलें नष्ट हो गई थी, थोड़ा बहुत गन्ना बचा है उसका मूल्य कम से कम उतना जितना करेस रुपये खरीदा जा रहा है, जो बाजार भाव है उतना ही हमारा मूल्य घोषित कर दें, उससे ज़्यादा हमारा आवश्यकता नहीं है। 20 रुपये से संतुष्ट नहीं है, जो 20 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो बाढ़ आ गई और गन्ना वैसे ही कम है, कम से कम गन्ने का भाव 450 होना चाहिए और सरकार ऊँट के मुँह में जीरा दे रही है, तो इससे हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। और हम अब जो भी अपनी रणनीति होगी आगे की बनाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में हम लोग आंदोलन करेंगे। आज हमने तालाबंदी की है और सोसाइटी का बिल्कुल इनको काम नहीं करने देंगे जब तक ये गन्ने का भाव, और कल को हम पुतला फूकेंगे प्रशासन के और SDM साहब हमारे पास नहीं उनका भी पुतला फूकेंगे, क्योंकि उन्होंने 30 दिन में हमको आकर नहीं देखा बिल्कुल भी कतई भी, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो ये कहाँ का समझ में, मतलब इनका क्या मतलब ये अपना निर्णय ले रहे हैं, हमारा तो समझ में नहीं आ रहा। तो हम 20 रुपये से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, हमारा 450 रुपये कम से कम भाव होना चाहिए और इससे कम हम बिल्कुल नहीं मानेंगे कतई भी।